बेस्ट एंड बेस्ट मेकअप ब्रश। अगर मेकअप लवर है तो वीडियो ज़रूर देखे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वीडियो में बने रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केमन आछो कैसन बा कसा काय सलाम। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत टाइम से बोल रही थी कि मेकअप ब्रश के बारे में बताने के लिए कोई बेस्ट एंड बेस्ट मेकअप ब्रश जो हो दी आप मुझे बताओ। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो, अगर आप मेकअप लवर हो, आपको मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कौन सा ब्रश यूज करे, तो आज मैं वही बता रही हूँ। जो मैं ब्रश बता रही हूँ बहुत ही अमेजिंग ब्रश है। तो आ जाओ देख लेते हैं कि वो ब्रश है कौन सा। तो यहाँ पे तो मैंने गब वर्ल्ड से मंगवाया है ये, देख लेते हैं। तो ये ब्रश है मेकअप ब्रश, खोल कर देख लेते हैं मेकअप ब्रश। आप लोग देखो ये यहाँ पे 8 ब्रश दिया हुआ है। और ये है, ये जो ब्रश है गब का, ये ब्लश ऑन लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एकदम सॉफ्ट है ये ब्रश। कैसे मैं बताऊँ आपको, आप लोग देख रहे हो तो पता चल रहा होगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये ब्रश जो है। इससे आप हाइलाइटर लगा सकते हैं। ये आपको इस ब्रश, और ये जो ब्रश है इस ब्रश से आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो इस ब्रश के हेल्प से। ये ब्रश बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ये भी, और फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और देन यहाँ पे ये जो ब्रश है इससे कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। इस ब्रश से कंसीलर को आप ब्लेंड कर सकते हैं इस ब्रश के हेल्प से, और आपको भी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है ये ब्रश। अगर आप यूज करते हैं तो आप फैन हो जाओगे इस ब्रश के। और नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आंखों के लिए आई ब्रश मेकअप करने के लिए। अगर आई ब्रश अच्छा नहीं होता है ना, तो हमारा जो आई मेकअप होता है एकदम अच्छा नहीं होता, बहुत ही अजीब सा लग जाता है और ब्लेंड भी नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो आप ब्रश देख रहे हो बहुत इजीली है ब्लेंड करने में, बहुत ही। आप ये देखो, जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट अभी किया है ना, इसी ब्रश से मैंने किया है और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है ब्रश से, देख सकते हो आप। और सेकेंड आई ब्रश है ये, देख लो आप, इजी है, इसको वॉश वॉशेबल है, आप इसे वॉश भी बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। और ये जो ब्रश है आपके आईब्रो को सेट करता है लाइक दिस। अब टर्न आती है, अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, लिप लाइनर लगाना चाहते हो, तो इस ब्रश से लगा सकते हो और इसे इजीली अप्लाई हो जाता है। और हाईलाइट वाले जहां जगह जगह लिप्स के पास भी हाईलाइट कर सकते हो, आई के इनर कॉर्नर पे इससे हाईलाइट कर सकते हो। और ये भी ब्रश बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और अच्छा है। देन इसके बाद आती है लास्ट ब्रश है ये, देखिए आईब्रो को फिल करने के लिए, तो आईब्रो का ब्रश है ये। ये बहुत ही अच्छे से आपके आईब्रो को फिल कर देता है ये ब्रश। अगर मैं इस ब्रश की बात करूं तो मुझे तो पर्सनली ये ब्रश बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि ये ब्रश जो है ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, आपके फेस को चुभता नहीं है। और अगर आप मेकअप लवर हैं तो ये ब्रश आप लोग जरूर लेना। अगर आप इनके वेबसाइट से लेते हैं ना, तो ये ब्रश जो है 799 में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप इनके वेबसाइट से मेकअप ब्रश लेते हैं ना, तो आपको 10 to 40% ऑफ मिलेगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट का दे दूंगी और कूपन कोड भी दे दूंगी। अगर आप वो कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। और गब का ये ब्रश तो हो गया, यहाँ पे मेरे पास है हेयर ड्रायर। ये हेयर ड्रायर अमेजिंग है, मुझे, मेरे पास हेयर ड्रायर था नहीं, एक था तो वो खराब हो गया था, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए
कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग आ जाए, तो ये हेयर ड्रायर मैंने जॉब का मंगवाया है। और ये जो हेयर ड्रायर है ना, अमेजिंग है। आप लोग इसका कलर भी देख सकते हो, जो इसके एयर है आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो अगर आप हेयर ड्रायर भी लेना चाहते हो ना, तो आप इस हेयर ड्रायर को ले सकते हैं। गब के जितने सारे प्रोडक्ट है ना, अमेजिंग है, अमेजिंग। आपको कम बजट में हेयर ड्रायर लेना है तो आप इस हेयर ड्रायर के साथ में जा सकते हैं। ये हेयर ड्रायर अमेजिंग है। और इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस है 895 रुपीज। अगर आप इनके वेबसाइट से लेते हैं तो 10-40% ऑफ मिल जाएगा आपको। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी अपने ऐसे ही किसी अमेजिंग रिव्यू के साथ में। जब तक आप लोग ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।